लेकिन मैं इस दो बात को एकदम स्पष्ट कर दूं, अगर किसी भी एक विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर अगर सरकार की नीयत पे सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बात ये, पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है, प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। दूसरी बात, मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मैं मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है, आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से चलता आ रहा है, हर नियुक्ति में इसका ध्यान रखा जाए ये अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं रखा जाता है, जो कि आज हम लोग को भी देखने को मिला है, इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई जरूर करेगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now।